नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम डॉक्टर रिजवान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर वर्ल्ड प्लस। एग्रीकल्चर वर्ल्ड प्लस में आपका स्वागत है। तो आइए मैं आपको एक नए टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूं और उसको मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बताऊंगा। उस प्रोडक्ट का नाम है चेस। तो आइए थोड़ी सी जानकारी हम चेस के ऊपर ले लेते हैं। चेस दवाई कैसे काम करती है हमारे तेले के ऊपर, और इसके अलावा मैं बताऊंगा कौन सी स्टेज पे हमें स्प्रे चेस का करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। चेस दवाई एक न्यू केमिस्ट्री से तैयार की गई संजंटा कंपनी की एक बेहतरीन दवाई है, जो जिसके अंदर पाइमेट्रोजाइन 50% WG फार्मूलेशन में है, यानी कि ये घुलने में बहुत आसान है और बहुत तेज़ी से पानी के अंदर घुल जाती है। तो बात करते हैं चेस के तीन तालों की। तो चेस के तीन ताले क्या हैं, आइए जान लेते हैं। तो चेस का पहला ताला तेले के मुंह पर लगता है, जिससे तेला खाना पीना बंद कर देता है और भूख से वो परेशान रहता है। दूसरा ताला तेले के पैरों पर लगता है, जिससे तेला एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा नहीं सकता, इधर उधर चल नहीं पाता है। तीसरा ताला उसके उदर पर लगता है, जिससे वो आगे अंडे देना बंद कर देता है। तो ये मैंने आपको तीन ताले चेस के बताए हैं। ये चेस हमारी तीन तालों पे काम करती है। बाद में तेले को लकवा हो जाता है, उसको पैरालिसिस हो जाता है और फिर वो भूख से मर जाता है, दोबारा वो जीवित नहीं होता है। आइए बात कर लेते हैं चेस को कौन सी स्टेज पे, कौन सी अवस्था पे करना चाहिए। तो चेस को अर्ली बूटिंग स्टेज पर करना चाहिए, यानी के शुरुआती झंडे पत्ते की अवस्था पर करने से जो शुरुआत में तेला आने के चांसेस बढ़ते हैं, फिर तेला दोबारा से नहीं आता है। चेस दवाई एक सिस्टमिक दवाई है, जो पौधों के अंदर जाकर लंबे समय तक सुरक्षा देती है, लंबे समय तक प्लांट्स को प्रोडक्शन देती है, जिससे तेला नहीं आता है। चेस को हम प्रिवेंटिव में इसलिए कराते हैं ताकि तेला बाद में ना आए। इसका रिजल्ट 20 से 22 दिन तक रहता है और ये काफ़ी तेले के ऊपर प्रभावी है। आइए जान लेते हैं इसकी डोज़ क्या है और पानी की मात्रा क्या है। तो चेस की जो डोज़ है वो 120 ग्राम है और 200 लीटर पानी के साथ में स्प्रे करना है। पानी का और दवाई के घोल का जो सही कॉन्सेंट्रेशन है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए, इसी के द्वारा तेले का कंट्रोल होता है, इसी के द्वारा रिजल्ट हमें अच्छा मिलता है। आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिल जाए और आपके जो खेतों में तेला आ रहा है या आने वाला है उससे मुक्ति मिल जाए। तो सभी किसान भाइयों को मैं यही सलाह देना चाहता हूँ कि अपने खेत में चेस का इस्तेमाल करें और तेले से निजात पाएं। इसी के साथ मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि शेयर करने से दूसरे किसान भाइयों को चेस दवाई के बारे में पता चल जाएगा और वो भी इस दवाई का इस्तेमाल कर लेंगे, तो उन्हें भी तेले से निजात मिल जाएगी।